गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे हर्डमानिया का। हर्डमानिया में जो कि एक उभयलिंगी प्राणी है, ये एक प्रोटोजिनस है जिसमें मेल और फीमेल दोनों एक ही एनिमल में पाए जाते हैं और अंडाशय जो होते हैं वो वृषण से पहले ही परिपक्व हो जाते हैं। इस कंडीशन में स्वनिषेचन होना असंभव होता है क्योंकि ये प्रोटोजिनस है। इसमें अंडाशय के पहले परिपक्व होने से जो ओवम होता है, अंडाणु होता है, उसके निषेचन के लिए मैच्योर शुक्राणु उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। इस अउपलब्धता के कारण इनमें क्रॉस फर्टिलाइजेशन ही हो पाता है। हर्डमानिया में जो गैनेट्स होते हैं वो एक जोड़ी होते हैं और मेंटल में उपस्थित होते हैं। राइट साइड का जो गोनैड होता है वो हार्ट के पृष्ठीय सतह पर उपस्थित होता है, जबकि जो लेफ्ट साइड का गोनैड होता है वो इंटेस्टाइन के यू शेप जो स्ट्रक्चर होता है उसमें व्यवस्थित होता है। गोनैड की जो आकार होता है वो 3x1 cm होता है। इनमें जो दो पंक्तियों में व्यवस्थित होते हैं ये, और 10 से लेकर 25 लोब इसमें उपस्थित होते हैं। ये इस प्रकार से ये लेफ्ट गोनैड इसमें शो हो रहा है। ये इंटेस्टाइन का पार्ट है जिसमें ये इस तरह से व्यवस्थित है। ये सबसे लास्ट वाला पोर्शन है, पार्ट है, और ये यहाँ से या इसको कहें ये स्टार्टिंग वाला पोर्शन है, और ये यहाँ पे मैच्योर, सबसे ज़्यादा मैच्योर यहाँ पर उपस्थित हैं लोब्यूल्स। ये धीरे धीरे क्रमगत इनकी जो आकार है वो छोटा होता जा रहा है, और ये इसकी लास्ट ओपनिंग है यहाँ पर। यहाँ पर ये इस तरह पेयर में उपस्थित है, एक जोड़े में उपस्थित है कि इसके साथ यहाँ पर एक लोब्यूल्स उपस्थित होती है। लेकिन ये एक जो सबसे लास्ट में उपस्थित लोब्यूल है वो किडनी शेप है और इसका स्ट्रक्चर सबसे बड़ा है। अमाप बाकी जो लोब्यूल्स हैं उनमें सबसे बड़े अमाप की ये लोब्यूल होती है। सबसे पीछे वाला लोब सबसे बड़ा होता है। प्रत्येक लोब में एक बाहरी लाल रंग का वृषण पाया जाता है जो शुक्राणु को उत्पन्न करता है, और आंतरिक भाग में गुलाबी रंग की डिंब ग्रंथि भाग लेती हैं, या जिसको कहते हैं अंडाशय उपस्थित होता है जिसमें कि अंडाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रकार प्रत्येक जो गोनाड होते हैं वो हर्मोफ्रोडाइट होता है जिसमें कि मेल और फीमेल दोनों एक ही साथ एक ही लोब्यूल में उपस्थित होते हैं। इसको इस तरह से हम समझ सकते हैं, ये एक सेंट्रल एक्सिस है और ये यहाँ पर ये दो लोब्यूल्स हैं। इस लोब्यूल्स का जो ये कॉर्टेक्स वाला भाग है, कॉर्टेक्स मतलब बाहरी भाग, यहाँ पे तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन टेस्टिस उपस्थित है बाहर यहाँ इस क्षेत्र में, जबकि ये भीतर वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर अंडाशय उपस्थित है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब ये जो दोनों भाग होते हैं ये अलग अलग डक्ट जो होती वाहिनी या गोनेडल डक्ट के द्वारा इस सेंट्रल एक्सिस में आकर खुलते हैं। दोनों के भाग ये यहाँ आकर खुलेगा, ये अलग से इस तरह से, और इसकी जो डक्ट वो इन सेंट्रल में आकर इस तरह से खुलती हैं। इन दो पालियों को दो पंक्तियों में व्यवस्थित किया जाता है, एक केंद्रीय अक्ष के दोनों ओर उपस्थित होते हैं। दो गोनोडक्ट केंद्रीय अक्ष के भीतर चलते रहते हैं। प्रत्येक गोनाडल लोब में दो अलग अलग क्षेत्र होते हैं जो कि संरचनात्मक और रंग में विभिन्नताएं रखती हैं, क्योंकि जो अंडाशय है उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं होंगी और जो वृषण है उसमें अलग प्रकार की कोशिकाएं। रंग हम पढ़ी चुके हैं कि जो टेस्टिस होती है वो रेड कलर का प्रदर्शित करती हैं और अंडाशय पिंक कलर में प्रदर्शित होती हैं। ये एक और स्ट्रक्चर जिसमें बहुत अच्छे से प्रदर्शित हो रहा है, ये ओविडक्ट है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये डक्टियोल्स जो कि पूरी की पूरी यहाँ आकर खुल रही हैं, सब यहाँ सम्मिलित हो रही हैं। ये स्पर्मेटिक डक्ट है, ये टेस्टिस लोब्यूल है, और ये नीचे की तरफ ये ओवेरियन लोब्यूल है। अब हम डक्ट की बात करते हैं। गोनोडक्ट आंतरिक क्षेत्र में अंडे के निर्माण के विभिन्न चरण होते हैं, जबकि परिधीय क्षेत्र में जो कॉर्टेक्स रीजन है ये मेडुलरी रीजन
और ये कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में शुक्राणु जनन की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, क्योंकि वो टेस्टिस वाला पोर्शन है, वहाँ पर स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस, ये सब जो विभिन्न स्टेज होती हैं शुक्राणु की फॉर्मेशन की, वो इस वाले परिधीय कॉर्टेक्स वाले क्षेत्र में हमें दिखाई देती है। प्रत्येक गोनाड इस प्रकार एक अंडाकार होते हैं, मतलब दोनों के दोनों एक अंडाकार संरचना में बने होते हैं और लोब्यूल्स के अंदर उपस्थित होते हैं। प्रत्येक गोनाडल लोब का प्रत्येक डिम्ब ग्रंथि क्षेत्र जो होता है वो डिम्ब ग्रंथि के साथ एक संकीर्ण लघु नलिका से जुड़ा रहता है, जिसे कि डिम्ब ग्रंथि जोक्यूल्स कहा जाता है या ओविडक्ट डक्टलेट्स कहा जाता है। डिम्ब वाहिनी गुहा के पास जो डिम्ब वाहिनी है, ओविडक्ट जो है वो एंट्रियल कैविटी में खुलती हैं, और जो मेल गोनाडक्ट होती हैं या वास डिफरेंस होती है वो गोनाडल लोब के प्रत्येक वृषण क्षेत्र में एक शुक्राणु वाहिका द्वारा प्राप्त होती हैं, और ये इस प्रकार से सब ये एक एनस वाला पार्ट है, रेक्टम है, और इसी के जस्ट पास में ये ओवेरियन का और टेस्टिस का छिद्र जो है आके डक्ट जो होती हैं उनके माध्यम से यहाँ पर बाहर की तरफ एंट्रियम कैविटी की तरफ खुलता है। ये उसका हिस्टोलॉजिकल पार्ट है, जिसमें कि आउटर रीजन है और ये इनर रीजन है, जिसमें कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं को प्रदर्शित किया गया है। वास डिफरेंस जो होता है वो डिम्ब वाहिनी छिद्र के पास ही खुलता है, बिल्कुल दोनों साथ साथ नहीं खुलते हैं, दोनों वास डिफरेंस पहले ही मतलब जो डिम्ब वाहिनी है ओविडक्ट से पहले ही ख़त्म हो जाता है या वहीं रुक जाता है। डिम्ब ग्रंथि नलिकाएं और शुक्राणु नलिकाओं की संख्या आमतौर पर गोनाडल लोब की संख्या से मेल खाती है, दोनों की संख्या जो है वो सेम होती है, लेकिन दो आसन गोनाडल लोब से शुक्राणु नलिका कभी कभी वास डिफरेंस में खुलने से पहले ही जुड़ जाती है। कई बार क्या होता है ये नलिकाएं जुड़ जाती हैं, ये इस प्रकार से कई बार ऐसा माना जाता है कि ये जो लोब है उसके बराबर ही यहाँ पर वास डिफरेंस होगा, लेकिन कई बार ये जो लोब्स होते हैं इनकी जो नलिकाएं होती हैं वो जुड़ जाती हैं, इसकी वजह से नंबर जो होता है उनका कम हो जाता है। ये है स्पर्म डक्ट्यूल, ये छोटी सी नली, और ये सब नली एक मेन जो नली है जिसको कि स्पर्म डक्ट कहते हैं उसमें प्रवेश करती है, और ये देखिए पहले ही ओपन हो रही है, यहाँ पर खुल रही है ये, जबकि ओविडक्ट जो होती है वो बहुत आगे तक जा रही है, ये ओविडक्ट है और ये इसका एपरेचर है जिसको कि स्पर्मियोडक्ट्यूल एपरेचर कहा जाता है। इसी तरह से ये ओविडक्टल डक्यूल एपरेचर है। गैमेट्स, एक परिपक्व शुक्राणु जन लंबाई में लगभग 4 माइक्रोन की संरचना होती है, प्रत्येक के पास एक सर, गर्दन और एक बेहद लंबी सीधी पूंछ उपस्थित होती है। इनकी संरचना इस प्रकार है, जिसमें हेड, मिड पोर्शन और टेल रीजन उपस्थित है। इनका जो हेड का रीजन है वो अलग अलग प्रकार का हो सकता है, एक्रोसोम रीजन से इसके कंपैरिजन करें तो ये डिफरेंट 3 संरचनाएँ प्रदर्शित करते हैं। एक परिपक्व एग के बारे में बात करें तो इसका जो व्यास होता है 0.30 मिलीमीटर तक होता है। इनका जो अंडे की जो झिल्लियाँ होती हैं वो उनको तैरने में मदद करती हैं एग्स को। एग्स का जो साइटोप्लाज्म होता है या अंडाणु का जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें योग पदार्थ भरा होता है, और एक्सेंट्रिक न्यूक्लियोलस वाला नाभिक कोशिका शरीर के एक तरफ स्थित होता है। ये वेटेलाइन झिल्ली द्वारा पंक्तिबद्ध होता है और डिम्ब की दीवारों का गठन करता है। 2 और परतें हैं, आंतरिक कोरियन और बाहरी कोरियन। अब इसमें डिफरेंट टाइप की सेल्स उपस्थित होती हैं, लेयर्स उपस्थित होती हैं। कई रिक्त बाहरी कुप्पिका कोशिकाएं बाहरी कोरियन से जुड़ी होती हैं। बाहरी कोरियन और आंतरिक कोरियन के बीच का स्थान जो होता है अंतर तरल पदार्थ से भरा होता है। आंतरिक कोरियन और वेटेलाइन झिल्ली के बीच का जो स्थान होता है वो प्री वेटेलाइन द्रव भरा होता है उसके अंदर। कई आंतरिक कूप कोशिकाएं हैं जो प्री वेटेलाइन द्रव में तैरती हैं और बाकी इन वेटेलाइन झिल्ली का पोषण करती हैं। ये एक स्ट्रक्चर है मैच्योर ओवम का, जिसमें ये
न्यूक्लियस है और इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, ये एग सेल हैं जिसके पास ये बहुत सारी इनर फॉलिकुलर सेल्स हैं जो इसको पोषण प्रदान करती हैं। ये कोरियोन मैम्ब्रेन है आउटर और इनर, जिसके बाहर ये आउटर फॉलिकुलर सेल उपस्थित है। इसके अंदर भरा हुआ है योक और ये जो मैम्ब्रेन बताई जा रही है ये है वेटलाइन मैम्ब्रेन। हालांकि हर्मानिया एक हर्मी प्रोडाइट है जिसमें स्वनिषेचन बहुत दुर्लभ है और इनमें जो युग्मक होते हैं जब परिपक्व होते हैं तो इन्हें जो एपरेचर्स हैं उनके द्वारा एक चार ओस्ट वाली संरचना बनती है और ये जो संरचना होती है ये एंट्रियल साइफन से बाहर की तरफ निकाल दिए जाते हैं जब ये मैच्योर हो जाते हैं, और इनमें जो निषेचन होता है वो क्रॉस निषेचन पाया जाता है। ये है इनकी ओपनिंग, ये चार ओस्ट नुमा संरचना है, ओविडक्टल एपरेचर्स है ये, और ये स्पर्मियोडक्टल डकल एपरेचर्स है, और ये है इसकी रेक्टम की ओपनिंग। दोनों एक साथ पास पास में उपस्थित होते हैं और एंट्रियल कैविटी में इन दोनों की ओपनिंग होती है। थैंक यू।